सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर वन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव फ्रॉम द वर्ड ग्रीक लेटिन चाइनीज के इंग्लिश, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो वर्ड है वो कम्युनिकेशन से लिया गया है, तो ये किस किस से लिया गया है, ग्रीक वर्ड की लेटिन चाइनीज की इंग्लिश, तो ये किससे लिया गया है, लेटिन शब्द से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, टू रिसीव टू एक्सचेंज कन्वे या ऑल ऑफ दी अबव। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है, संप्रेषण का मतलब होता है कि इन सारी चीज़ों का एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किस किस तरह का एसोसिएशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक तरह का क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है लेटरल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, सेम कार्डे और पर्सनल की, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर की, अमंग ऑल। तो जो लेटरल कम्युनिकेशन होता है वो किसके बीच में होता है, सेम कार्डल और पर्सन के बीच में होता है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या कंबाइन करता है, ऑडिटर्स ओनली, विजुअल ओनली की बोथ ऑडिटरी की विजुअल, तो इसमें क्या है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको और क्या बोलते हैं, जो इंक्वायर बैरियर्स इनकोडिंग की डिकोडिंग, मिथिलित कम्युनिकेशन करने में जो बाधाएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे हम किस और नाम से जानते हैं, बैरियर्स के नाम से जानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है पोस्टर्स फॉल अंडर डेस्क कम्युनिकेशन, जो पोस्टर्स जो हम लोग क्या करते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं वो किस कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ओरल, विजुअल, रिटन की, स्पोकन, तो वो किसके अंदर आते हैं, विजुअल के अंदर आते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक और नाम से किससे नाम से जानते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, लेटरल, विजुअल की, हॉरिजॉन्टल, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम उसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोस कैसे करता है, फेस टू फेस डिस्कशन से, टेलीफोनिक टॉक से, पीरियडिकल मीटिंग से, कि ऑल ऑफ द अबव से। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इट फ्लोस फ्रॉम फेस टू फेस भी होता है, टेलीफोनिक टॉक भी होता है, पेरोडिकल मीटिंग भी होती है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है गेस्टुअल कम्युनिकेशन क्या किस तरह का कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल मैसेज है, डायरेक्ट है कि ओरल की, रिटन। तो गेस्टुअल जो कम्युनिकेशन होता है ये कम्युनिकेशन जो होता है आपका नॉन वर्बल मैसेज होता है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करके, फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, टाइम और डिस्टेंस होते हैं, समय दूरी होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, डिनोटेशन की, कैनोटेशंस। तो देखो फिजिकल जो अगर बैरियर्स की हम बात करें, जो कम्युनिकेशंस में जो बाधाएं आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समय और टाइम और डिस्टेंस, टाइम और दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन जो डिराइव्ड हुआ लैटिन वर्ड कम्युनिस का, इसका मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिटी होता है शेयर, कॉमन की, मार्कस, तो कम्युनिस का मतलब क्या होता है, शेयर, इसलिए भी ऑप्शन हो जाएगा सही। कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इनकोडिंग से, सेंडर से, चैनल के फीडबैक से, तो इन कम्युनिकेशन जो है संप्रेषण स्टार्ट होता है कहाँ से, सेंडर से, जब हम कोई चीज़ सेंड करते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कितने की एलिमेंट्स होते हैं, 5, 6, 7 की 4, तो कितने होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं किसके, कम्युनिकेशंस के। नेक्स्ट है द टू ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, ओरल और रिटन, वर्बल और रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ओरल एंड नॉन वर्बल, तो देखिए वर्बल होते हैं और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। नॉन वर्बल में क्या होते हैं, जिसमें हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हम किसी भी वर्ड्स को बिना यूज़ किए हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, इशारे के थ्रू, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल जिसे हम बोलकर जो कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन एग्जांपल है ओरल कम्युनिकेशन का, मीटिंग मेमोस, प्रेजेंटेशन, मीटिंग मेमोस, परफॉर्मेंस रिव्यूज, की ऑल ऑफ दी अबव, तो इसमें से कौन सा है, तो मीटिंग, प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस रिव्यूज जो है एग्जांपल है ओरल कम्युनिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल है रिटन कम्युनिकेशन के, लेटर्स और वॉइस मेल, रिपोर्ट्स, ई मेल, सर्कुलर की वॉइस मेल, तो रिपोर्ट्स और ईमेल क्या है, एक कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, रिटन कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर्स और डायरेक्टिव किसके एग्जांपल हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल की, हॉरिजॉन्टल, तो ये किसके एग्जांपल है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर और सेल्स मैन किसका एग्जाम्पल है, हॉरिजॉन्टल, लेटरल,
डायगोनल की वर्टिकल, तो ये किसका है, डायगोनल कम्युनिकेशन का है। डायगोनल कम्युनिकेशन को किस और नाम से जानते हैं, क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल, वर्टिकल की एनी ऑफ दी वर्ब। तो डायगोनल कम्युनिकेशन का एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर किस तरह का एग्जांपल है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, डायगोनल है कि हॉरिजेंटल है, किस तरह का एग्जांपल है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन ये क्या है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल की नन ऑफ दिस, तो ये किस तरह का है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर्स ऑफ मटेरियल किस तरह का कम्युनिकेशन है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल, इंटरनल की एक्सटर्नल, तो प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल ये तरह का क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है रिसीविंग अ सेल्स ऑर्डर कैसा एग्जाम्पल है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, इंटरनल की एक्सटर्नल, तो ये किस तरह का है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड या आउटवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, इंटरनल की एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इनवर्ड भी होता है और आउटवर्ड भी होता है। क्वेश्चन देखते हैं कि फंक्शनल कोऑर्डिनेशन किस तरह का इंपॉर्टेंट रीजन है कम्युनिकेटिंग करने का, सुपीरियर्स का, पीयर्स का, सबॉर्डिनेट्स का, एम्प्लॉय के, यूनियंस का, तो फंक्शनल कोऑर्डिनेशन एक तरह का इंपॉर्टेंट रीजन है किसका, कम्युनिकेशन का, किसके से, पीयर्स के हिसाब से, मतलब पीयर्स का मतलब होता है एक ग्रुप बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन विद सुपीरियर क्या इन्वॉल्व करता है, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, तो ये कम्युनिकेशन विद सुपीरियर इन्वॉल्व करता है क्या, ऑप्शन नंबर सी, कंप्लेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, लिसनिंग हैज बीन आइडेंटिफाई एट वन ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, तो ये स्टेटमेंट किसने दी हुई है, लैंगस्टन ने, स्टेफन कोवी ने, लीक लॉकी ने, टॉम पीटर्स ने, तो ये स्टेटमेंट दी गई है स्टेफन कोवी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है सबसे मोस्ट बेसिक टाइप की लिसनिंग को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, अप्रिसिएटिव लिसनिंग की एबिलिटी लिसनिंग, तो सबसे मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग होगा क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। नेक्स्ट है डायलॉजिक लिसनिंग को हम क्या कहते हैं, एम्पैथेटिक, थेरेपेटिक, रिलेशनल की एक्टिव, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, रीडेबिलिटी किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है, पंचुएशन के द्वारा, लेंथ ऑफ वर्ड्स के द्वारा, एक्टिव पैसिव की स्पेलिंग, तो लेंथ ऑफ वर्ड्स के द्वारा क्या होते हैं, रीडेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, फॉग्जीनेक्स इज यूज टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, कॉर्टेसी ऑफ मैसेज, रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज, की सारे को, तो देखिए फॉडीगेक्स जो है इसको इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ये किसके लिए, रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक मैसेज में भी अंडरस्टूड बाय एन एवरेज एजुकेटेड पर्सन, अगर उसके पास मोर देन 15, लेस देन 15, नेगेटिव की जीरो, तो उसके पास लेस देन अगर 15 है तो इट मैसेज कैन बी अंडरस्टूड बाई ए एवरेज एजुकेटेड पर्सन। कम्युनिकेशन एक तरह का कैसा प्रोसेस है, वन वे, टू वे, थ्री वे की फोर वे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। कम्युनिकेशन जो है संप्रेषण जो है आपका टू वे प्रोसेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। मेन ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, पर्सुएशन, स्किल, कंट्रोल मैनेजमेंट की नीड, तो देखिए इन्फॉर्मेशन और पर्सुएशन सबसे मेन उद्देश्य होता है एक संप्रेषण का, कोई जो इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो, और क्या करना, उसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर से सुपीरियर की सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो फ्लो करता है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक फ्लो करता है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। गॉसिप एंड र्यूमर किसके पार्ट हैं, इनफॉर्मल के, फॉर्मल के, हॉरिजॉन्टल के, वर्टिकल, तो ये किसके पार्ट हैं, गॉसिप एंड र्यूमर के किसके पार्ट हैं, इनफॉर्मल के। ये सारे क्वेश्चंस आप लास्ट टाइम में ज़रूर पढ़ के जाइए, समझने की ज़रूरत नहीं है, रट लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या होंगे, लेटर है, ईमेल है, टेलीफोन है कि फैक्स है, तो टेलीफोन क्या है, एक तरह का ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, सिनेमा, टेलीविजन, ड्रामा की, ऑल ऑफ दी वर्ब, तो इसमें से इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, सारे हैं, सिनेमा भी, टेलीविजन भी, ड्रामा भी। एडवांटेज बताइए एक रिटर्न कम्युनिकेशन का पूछा गया है कि सेव टाइम सेव मनी की परमानेंट है, तो देखिए एडवांटेज एक रिटर्न कम्युनिकेशन का पूछा है तो दैट इज योर परमानेंट रिको।
रिटर्न कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड्स रिपोर्ट्स फॉर्म्स नोटिस की नन ऑफ दिस, तो रिटर्न कम्युनिकेशन इसमें से नहीं इंक्लूड करते हैं, तो रिपोर्ट फॉर्म्स नोट्स की नन, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन क्या सेव करता है टाइम, इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, ओरल कम्युनिकेशन की शेड्यूल, तो कम्युनिकेशन सेव करता है टाइम किस चीज़ का, शेड्यूल का, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, डैश रिफर्स टू द मेंटल डिस्टर्बेंस कोहरेंस नोशन डिस्ट्रक्शन की साइकोलॉजिकल नॉइज, तो इसमें से डिस्ट्रक्शन जो होता है वो मेंटल डिस्टर्बेंस को क्या करता है, रेफर करता है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही। मेंटल टर्बुलेंस किसको रेफर करता है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, बी है कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर, सी है कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ अ सेंडर की इनएबिलिटी टू स्पीक, तो जो मेंटल टर्बुलेंस होता है वो किसको रेफर करता है, दैट इज बी कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 45, द क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन कुड बी अचीव बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, चूज वर्ड्स दैट आर शॉर्ट होने चाहिए, फैमिली और कन्वर्जेबल होने चाहिए, कि उसमें एक अप्रोप्रिएट राइबिलिटी होनी चाहिए, कि बी है कंस्ट्रक्टिव इफेक्टिव सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स होने चाहिए, कि ऑल ऑफ द अबव, तो क्लैरिटी जो होनी चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, इन एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वी कैन प्रॉब रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग इंटरप्ट की एडवाइस, तो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग, फीलिंग्स का क्या करना, रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की कॉन्सिनेसिस ऑफ मैसेस किसको रेफर करता है, ब्रेवटी को, स्पेसिफिटी को, कॉम्प्रिहेंसनेस को, क्रिप्सनेस को, तो ये ब्रेवटी को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, एरर्स जो लैंग्वेज में होते हैं या ग्रामर में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स में, वो कहाँ से लिए जाते हैं, क्लैरिटी से, करेक्टनेस से, क्रिप्सनेस से, कि कंसाइजनेस से, तो वो लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 49 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन अ सेलर और कस्टमर, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजेरियल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो हम लोग यहाँ पर एक्सचेंजिंग मैसेज की ही बात कर रहे हैं, कौन सा पढ़ ही रहे हैं, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। लास्ट क्वेश्चन है कि लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग किस तरह के टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के, इमोशनल बैरियर्स के, कि एवोल्यूशन टेक्निक्स के, नॉन वर्बल, तो ये किसके हैं, सारे टाइप्स हमारे किसके हैं, कम्युनिकेशन स्किल के, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही।